बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम कुरतुल्लैन एंड माई क्वालिफिकेशन इज़ एम फिल केमिस्ट्री। आई एम लेक्चरर इन लेम्स लेजर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। सब्जेक्ट में डिस्कस करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ आवर लेक्चर नंबर 11 एंड वी विल डिस्कस अबाउट कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस को आप अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। अल्फा सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एट द अल्फा कार्बन एटम बाय सम अदर ग्रुप्स। ठीक है, मींस जो आपकी कार्बोनिल कार्बन है उसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो उसे आप क्या कहेंगे, अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। और इसमें मोस्टली जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है और प्रोटोन वहाँ से रिप्लेस होगा। द अल्फा हाइड्रोजन इज़ मोर एसिडिक बिकॉज इनोलेट आइन दैट रिजल्ट फ्रॉम इट्स रिमूवल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। कार्बोनिल कार्बन है तो इसमें जो आपका इनोलेट आइन है वो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर जो प्रोटोन है वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन आपको पता है तो उस कार्बोनिल कार्बन की वजह से जो प्रोटोन है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या होगा, वीक बॉन्ड। विद अ नेगेटिव चार्ज डी लोकलाइज ओवर द कार्बन एटम एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मीन्स जो अब आपका कार्बन और हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है और वो क्या करता है, इनोलाइजेशन में टेक पार्ट कर रहा है। जब वो वहाँ से रिमूव होगा तो कार्बेनाइन जनरेट होगा और वो कार्बेनाइन जो है वो क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन के और ऑक्सीजन एटम जो है उसमें रेजोनेशन होगी तो ये आपका इनोलेट आइन यहाँ से जनरेट होगा। एक जनरल मैकेनिज्म यहाँ शो किया गया है। सबसे पहले आप अगर आप देखें तो ये आपकी क्या है, कार्बोनिल कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और बिल्कुल इसके एडजेसेंट पे कौन सी कार्बन है, अल्फा कार्बन। बेस आएगी सबसे पहले, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज या तो डायरेक्ट जो है अपना इलेक्ट्रोफाइल को जो है एक्सेप्ट कर सकता है या फिर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया गया है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें फर्स्ट में तो ये कार्बन जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसी तरह से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया गया है, उसे आप क्या कहते हैं, इनोलेट आइन। अब इसके ऊपर भी देखें, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन इसको पुश करेगा और ये जो है ना ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और रिजल्टेंट में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा अल्फा कार्बन जो है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स जो प्रोटॉन था वो किससे रिप्लेस हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल से। तो इसे आप क्या कहते हैं, अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसे इसके अलावा आप इसको जो है वो अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अलावा इसे आप क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ हम डिहाइड्रेशन भी करवाएंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन, इन अ कार्बोनाइल कंडेंसेशन रिएक्शन द इनोलेट और इनोल ऑफ वन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एन अदर टू जॉइन द टू रिएक्टेंट्स। इसमें क्या है कि कंडेंसेशन रिएक्शन में आपने टू कार्बोनाइल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक का आप इनोलेट यूज़ कर रहे हैं और दूसरा आपका क्या है, अटैकिंग स्पीशी है, एक आपका क्या है, सोर्स है। मीन्स एक जो है स्पीशी वो क्या करेगी, कार्बेनाइन सोर्स होगी और दूसरी क्या होगी, कार्बेनाइन एक्सेप्टर। ठीक है, और इस तरह से आपने टू रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, दोनों कार्बोनाइल होंगे। एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस अ न्यू मॉलिक्यूल दैट इज डिराइव फ्रॉम देम कंडेंसेस। ठीक है, कंडेंस होगा। ऑफ्टन दिस मॉलिक्यूल इज दैट ऑफ एन अल्कोहल और वाटर। अब जो आपका वाटर या इलिमिनेट होगा, जो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा वो आपका या तो अल्कोहल होगी या आपका उसमें हम वाटर यूज़ करेंगे। मीन्स कंडेंसेशन रिएक्शन आपके पास वो रिएक्शन हैं जिसमें टू रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और उनकी कम्बिनेशन के रिजल्ट में स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा और वो इलिमिनेटिंग जो मॉलिक्यूल है उसमें यहाँ पर टू मॉलिक्यूल मेंशन किए हैं, या तो वो अल्कोहल है या वाटर। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, बेस कैटलाइज्ड एंड एसिड कैटलाइज्ड कंडेंसेशन। बेस कैटलाइज कंडेंसेशन रिएक्शन है तो इसमें मोस्टली बेस यूज़ की जाती है कार्बेनाइन को जनरेट करने के लिए एट अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट में एक रिएक्शन देखा था उसमें कार्बोनिल कार्बन की बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन कौन सी, अल्फा कार्बन, तो वहाँ पर अगर कार्बन आपने जनरेट करवाना है, अपना कार्बेनाइन जनरेट करवाना है, तो उसके लिए आपको बेस रिक्वायर है। कंडेंसेशन रिएक्शन एसिडिक मीडिया में परफॉर्म किए जाते हैं और बेसिक मीडिया में भी परफॉर्म किए जाते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं, यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम एसीटेट।
तो जितना आपका इलेक्ट्रोफायर मीन जितना कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अल्फा प्रोटॉन जित मोर एसिडिक होगा उतनी स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ की जाती है टू जनरेट कार्बेनाइड। अब यहाँ देखें सोडियम एथोक्साइड है तो एल्डिहाइड अगर आप देखते हैं एल्डिहाइड्स हैं कीटोन्स हैं एस्टर्स हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो क्या है एल्डिहाइड्स। तो उसके लिए जो आप बेस यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे सोडियम एथोक्साइड आप यूज़ करेंगे बेस। देन आप कीटोन यूज़ करते हैं उसके लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उसमें जो प्रोटोन है वो इतना एसिडिक नहीं है। तो आपका प्रोटोन जो है रिएक्टेंट में जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ की जाती है टू जनरेट कार्बेनाइन। एसिड कैटेलाइज कंडेंसेशन में अगर आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाना है तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपने जो कार्बोनिल कार्बन है ऑक्सीजन जो है उसको आप प्रोटोनेट करवाते हैं। अब ऑक्सीजन जब आपका प्रोटोनेट होगा तो इसके रिजल्ट में ये जो आपकी कार्बोनिल कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, ठीक है। और ये जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी अब यहाँ पर जो प्रोटोन है वो मोर एसिडिक होंगे। तो सबसे पहले एसिड कैटेलाइज कंडेंसेशन में ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेट होती है और ऑक्सीजन आपने किसकी प्रोटोनेट करनी है जो कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन है सबसे पहले वो प्रोटोनेट करेंगे फिर आपने जो है इसमें कार्बेनाइड जनरेट करवाएंगे और देन मैकेनिज्म बाकी सेम वैसे रहेगा फिर जो है वो आपका कार्बोनिल कार्बन या कार्बेनाइन जो है वो अटैक करेगा रिजल्टेंट में। टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन है एल्डोल टाइप कंडेंसेशन है क्लेजन रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन है परकिन रिएक्शन है अर्लन वेयर एज इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस। ये डिफरेंट जो है ये बेस कैटेलाइज कंडेंसेशन में इंक्लूड है और इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बेनाइन सोर्स भी एल्डिहाइड एंड कीटोन है और कार्बेनाइन एक्सेप्टर भी एल्डिहाइड कीटोन है। अब ये आपका स्टार्टिंग मटीरियल है एग्जाम्पल में एसीटाल्डिहाइड से हमने स्टार्ट किया है तो एसीटाल्डिहाइड में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यूज़ कर रहे हैं एज अ बेस तो बेस क्या करेगी OH नेगेटिव जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और आपके पास जो रिजल्टेंट में प्रोडक्ट आ रहा है वो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव। तो आपके पास इसकी जो है यहाँ पर ये इनोलाइजेशन होगी और रिजल्टेंट में आपके पास इनोलेट आयन जनरेट होगा। सबसे पहले आपने कंडेंसेशन में अपना कार्बेनाइन या इनोलेट आयन जनरेट करवाना है उसके बाद देखें यहाँ पर एसीटाल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं सेकंड मॉलिक्यूल है और उसमें ये कार्बन क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये ऑक्सीजन अंदर रेजोनेट करेगा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। और सेम इस तरह से आप रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे अब ऑक्सीजन पर यहाँ पर अब ये जो आपके पास एक न्यू बॉन्ड सिंथिसाइज होगा बिटवीन कार्बन टू कार्बन। अब ये कार्बन है आपके पास जो आपने इनोलेट आयन जनरेट करवाया था ये वो है आपके पास और ये सेकंड कार्बन आपने जो सेकंड रिएक्टेंट ऑफ एसीटाल्डिहाइड यूज़ किया है ये उसकी कार्बन है, ठीक है। तो आपके पास ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगी तो प्रोटोनेशन के रिजल्ट में आपके पास क्या है एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट आया है 3-hydroxybutanol ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटोन टू प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं जो कि एसिडिक इन नेचर हैं तो अगर आप उन दोनों प्रोटॉन्स को रिमूव करवाते हैं अगर एक प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो फिर आपके पास यहाँ पर डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी ऑब्टेन होगा। टाइप्स अगर आप देखते हैं एल्डोल टाइप कंडेंसेशन सेकेंड इसकी टाइप है तो उसमें जो कार्बेनाइन सोर्स आप यूज़ करते हैं वो पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे और कार्बेनाइन एक्सेप्टर के होंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेथिलीन जो आपका ग्रुप है CH2 ग्रुप के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच हो, ठीक है। मीन्स अगर आप उन्हें कहती हूँ कि CH3 CH2 एंड NO2, ठीक है। तो आपके जो CH2 है मेथिलीन कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन के साथ दो प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हों। अब अगर उनके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो उसके आप क्या कहेंगे पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड्स तो उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं इसलिए जो कार्बेनाइन सोर्स आप एल्डोल टाइप कंडेंसेशन में यूज़ करते हैं उसमें जो कार्बेनाइन सोर्स होगा वो आपका क्या होगा सिंपल जो है पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे और पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें CH2 ग्रुप्स के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा और वहाँ पे आपका कार्बेनाइन जनरेट होगा और वो कार्बेनाइन जो है कौन एक्सेप्ट करेगा कार्बेनाइन एक्सेप्टर आपके पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का यहाँ पर मीनिंग ये है कि आपने एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है और क्रॉस का यहाँ पर मीनिंग ये है कि आपके दोनों रिएक्टेंट्स डिफरेंट नेचर के हैं
मीन्स दोनों जो है वो उनकी नेचर डिफरेंट है। अगर दोनों रिएक्टेंट सेम जो है वो नेचर के होंगे, यानी कि आपके पास सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसे आप सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। लेकिन अगर दोनों रिएक्टेंट्स की नेचर डिफरेंट है तो उससे आप क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें से एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा और सेकेंड आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं, क्रॉस कंडेंसेशन। ये आपने यूज़ किया है, इस ये आपने सिंपल आपका एरोमेटिक सिस्टम है और इसके ऊपर देखें कार्बोनाइल ग्रुप है और CH3, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन है। बेंजोफिनोन का आप रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्डिहाइड है आपका, पैरानाइट्रो एल्डी बेंज एल्डिहाइड आप यूज़ कर रहे हैं। और ये आपका रिएक्शन किस में है, बेसिक मीडियम में परफॉर्म करवा रहे हैं आप। अब बेस क्या करेगी, सबसे पहले आपने बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेस ने सबसे पहले कार्बेनाइल जनरेट करवाना है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये बेंज एल्डिहाइड जो है आपका पैरानाइट्रो बेंज एल्डिहाइड आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें देखें आपके पास कार्बन कार्बन के ना तो इधर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है और ना ही कोई प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये आपका कार्बोनाइल सोर्स नहीं है, तो आपका कार्बोनाइल सोर्स इसमें क्या होगा, ये वाली कार्बन जो है इसमें 3 प्रोटॉन्स अवेलेबल है, तो बेस यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। इट मीन्स जो आपका कार्बोनाइल सोर्स है वो क्या है, बेंजोफिनोन, और आपका जो एल्डिहाइड है ये क्या करेगा, कार्बेनाइन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट में आपके पास ये जो प्रोडक्ट आया है, आफ्टर डिहाइड्रेशन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट होगा। मैकेनिज्म अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखें एल्डिहाइड के केस में कोई भी प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है बोथ साइड्स पर कार्बोनल के, ठीक है। और आपके पास जो है, अगर आप दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं बेंजोफिनोन के केस में, तो उस केस में भी जो है, तो उस केस में भी यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो एक प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट में प्रोडक्ट आएगा उसमें अगर आप देखते हैं कि वन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये अंदर रेजोनेट करेगा, तो इसके रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इनोलेट आइन। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड क्या है, कार्बेनाइन एक्सेप्टर है, तो कार्बेनाइन एक्सेप्टर है, ये अंदर चार्ज जो है वो रेजोनेट करेगा और उसके रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सिंपल डिहाइड्रेशन ही करवाई गई, इसे आप E1CB मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है, तो इसमें अगर आप देखते हैं सिंपल जो है, तो इसमें आप क्या करना है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के केस में आपका कार्बेनाइन यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है और यहाँ पर भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का मीनिंग ये है कि आपके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कंडेंसेशन हो रही है, इसमें आपने टू रिएक्टेंट्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि एक तरफ कार्बन है, यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ CH2 ग्रुप है कार्बन कार्बन के, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पर सेम साइड्स हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पर 5 मेंबर रिंग जनरेट किया है, एक इसका मतलब है कि कार्बेनाइन सोर्स भी आपका इसी रिएक्टेंट में है और कार्बेनाइन एक्सेप्टर भी इसी रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाने के रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले अगर आप ये कार्बन देखते हैं, ये कार्बन जो है कार्बेनाइन जनरेट करेगी और ये फिर अटैक करेगी आपकी इस कार्बन पर, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कितने मेंबर रिंग बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 मेंबर ये रिंग आपके पास जो जनरेट होगा और ये मिथाइल ग्रुप की क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है इसकी, ठीक है। और ये जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ये आफ्टर डिहाइड्रेशन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट अगर आप सेकंड रिएक्टेंट देखते हैं, ये भी सेम वैसी ही नेचर क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन है, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन शो की गई है, ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखते हैं, अब इसमें जो कार्बन एंड सोर्स है वो आपका ये वाली कार्बन है, ठीक है। कार्बोनाइल सोर्स आपकी ये कार्बन है और कार्बोनाइल एक्सेप्टर आपका ये है, देखिए कितने मेंबर रिंग बनता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल ये 5 मेंबर रिंग जो आपके पास जनरेट हो रहा है। इसमें आपने कार्बोनाइल सोर्स जो है ये आपने ये कार्बन यूज़ करनी है, ठीक है। और इसमें जो कार्बोनाइल सोर्स है वो आपकी ये कार्बन है, इसका मैकेनिज्म भी अगर आप जो है खुद से करके देखेंगे तो ईजिली परफॉर्म हो जाएगा। थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर।